वीगार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल, बोलो जुबां केसरी। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में तीसरे चरण का मतदान शुरू हो चुका है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रभात झा जी मौजूद हैं। सर, आपने मतदान किया, क्या सोचकर मतदान किया है, किस तरीके से? ये सोच के मतदान किया है कि राष्ट्रहित में क्या होना चाहिए। देश की, विदेश की, विश्व की आवश्यकता नरेंद्र मोदी जी हैं, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है। आज एकात्म मानववाद की धारा बह रही है पूरे विश्व में। सारे दर्शन फेल हो चुके हैं, एक ही दर्शन है, एकात्म मानव दर्शन दीनदयाल जी का, और उसकी एक एक पंक्ति को पूरा कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के नाते। भारतीय जनता पार्टी के सारे लोग, धारा 370 किसने समाप्त किया, तीन तलाक किसने समाप्त किया, कॉमन सिविल कोड उत्तराखंड में कौन लाया, ऐसे अनेक मुद्दे बता सकता हूं मैं आपको। इसलिए मेरा मानना है कि देश पहला चुनाव है जो मतदान आज हो रहा है, लेकिन जिस दिन मतदान की घोषणा हुई थी उसी दिन से लोग कह रहे हैं कि सरकार मोदी जी की बनेगी, भाजपा तीसरी बार बने आएगी और मोदी जी तीसरी बार बनेंगे। चुनाव के पहले, अगर 4 जून के पहले कोई परिणाम सुना रहा, तो इस देश की 140 करोड़ जनता सुना रहे। कांग्रेस ने दावा किया है कि सारी सीटें उस बार मध्य प्रदेश में जीतेगी, खासकर मैं ग्वालियर चंबल संभाग की बात करूंगा, तो 4 सीटें हैं, किस तरह से देखते हैं इन 4 सीटों को? मैं चारों सीटों के बारे में कंफर्म हूं, होड़ इस बात की है कि कौन कितने लाख मतों से जीतता है, और कोई चीज़ नहीं। तो ये थे हमारे साथ वरिष्ठ बीजेपी नेता प्रभात झा जी, जिन्होंने मतदान के बाद हमसे बातचीत की और लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी मतदान कर आहुति दी है। ग्वालियर से धर्मेंद्र शर्मा, TV9 डिजिटल, मध्य प्रदेश।